नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं जयशंकर शर्मा और आपके बीच में आज हम लेकर के आए हैं क्लास नंबर 17। और क्लास नंबर जो हमारी 17 है वो होने वाली है वर्नियर डेप्थ गेज पर। वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जो है बहुत ही छोटी क्लास होने वाली है, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रयोग क्या है वर्नियर डेप्थ गेज का? प्रयोग जो है वो जॉब में किसी स्लॉट, ग्रूव या ब्लाइंड होल जो होता है उसकी गहराई मापने में वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत की बात करें तो इसका जो सिद्धांत है वो वर्नियर स्केल की सिद्धांत के जैसा ही है। तो यहाँ पर जो है दो स्केलों के अंतर का सिद्धांत जो है वो फॉलो होता है, यानी कि इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इन्हीं दोनों स्केलों के अंतर का जो सिद्धांत है उसका प्रयोग यहाँ पर होता है, जो कि वर्नियर कैलिपर में होता है। आगे देखते हैं, इसके भाग की बात करें, इसके पार्ट्स की बात करें तो पहले आपका बेस, बेस जो है यहाँ पर आपका बेस किस मटेरियल का बना होता है? निकेल क्रोमियम स्टील का। बेस के बाद आता है बीम, बीम भी जो है आपका निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। बीम के बाद आपका जो है कैरियर, कैरियर जो है ये ऊपर की ओर लगा हुआ होता है और कैरियर का काम होता है एक फाइन एडजस्ट, जो आपका फाइन एडजस्टिंग नट है इसकी मदद से, कैरियर की मदद से बेस को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका होता है मेन स्केल, जो बीम है आपका, बीम पर जो है ग्रेजुएशंस बने होते हैं इंच में और एमएम में, दोनों में बने होते हैं। तो ये मेन स्केल जो है वो बीम पर बना होता है। नंबर पाँच है आपका वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल जो है वो बेस के साथ जो है अटैच होता है। एक तरफ आपका मेन स्केल होगा और दूसरी तरफ आपका जो है वर्नियर स्केल अटैच होगा। वर्नियर स्केल पर जो है जो सिद्धांत फॉलो होगा वो सेम टू सेम आपका वर्नियर कैलिपर के जैसा ही फॉलो होगा। जो लिस्ट काउंट उसमें निकाली जाएगी वो वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर के मेथड से ही निकाली जाएगी। तो आगे बात करते हैं नंबर छः, लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू जो है आपका ये जो आपके जो वर्नियर स्केल है वहाँ पर भी लॉकिंग स्क्रू एक देंगे और एक लॉकिंग स्क्रू आपका कैरियर पर दिया जाता है, ताकि कैरियर को हम कहीं पर भी ले जा करके उसको सेट कर सकें। तो दो लॉकिंग स्क्रू यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। आपका सातवां है फाइन एडजस्टिंग नट। फाइन एडजस्टिंग नट का काम होता है कि जो कैरियर है जो हमारे बेस से अटैच है, जो सूक्ष्म माप हमें लेनी होती है वहाँ पर फाइन एडजस्टिंग नट का प्रयोग करते हैं। तो मटेरियल की बात करें तो जो मटेरियल है वर्नियर डेप्थ गेज का वो निकिल क्रोमियम स्टील है। इसमें जो लिस्ट काउंट की बात की जाए तो ब्रिटिश सिस्टम में जो लिस्ट काउंट है वो आपका 0.001 इंच और मीट्रिक सिस्टम में आपका 0.02 mm लिस्ट काउंट होगा। तो वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।